जय शिव शंभु। स्वागत है आप सभी का नक्षत्र भाग 9 में। इससे पहले नक्षत्र सीरीज में हमने अश्विनी से मूल नक्षत्र के विषय में विस्तार से बात की थी। नक्षत्रों की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं आपके नक्षत्र की। जी हाँ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र नक्षत्रों में जिसकी संख्या 20 मानी जाती है और इसका विस्तार क्षेत्र धनुराशि में 13° 20' से 26° 40' तक रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को इंग्लिश में लैम्डा सैजिटेरी कहा जाता है और बचक्र में इसकी आकृति हाथी के दांत के समान दिखाई देती है। इस नक्षत्र का राशि स्वामी गुरु, स्वामी ग्रह शुक्र तथा अधिपति देवता वरुणानी मानी जाती है। वरुणानी वरुण देव जो जल के स्वामी है उनकी पत्नी का नाम है वरुणानी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा जातक साहसी, आत्मविश्वासी, मन प्रिय, हसमुख, मिलनसार तथा उत्साही होते हैं। ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, स्वभाव थोड़ा इनका गर्म होता है और क्रोध में किए गए कार्यों के लिए बाद में पछताते भी हैं, लेकिन इनमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने की क्षमता का हमेशा अभाव रहता है। ऐसे जातक किसी कार्य को आरंभ करने के लिए बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन किसी कार्य को यदि हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा कर ही दम लेते हैं। यदि आजीविका पर विचार करें तो जल से संबंधित सभी कार्य, मछली पालन, दुग्ध व्यापार या डेयरी, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन विशेषज्ञ, केमिकल संबंधित व्यवसाय, विदेश व्यापार, जलपोतकर्मी, जल सेना अधिकारी, नेवी, जल परिवहन से जुड़े व्यवसाय, मनोचिकित्सक, चित्रकार आदि सभी व्यवसाय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संबंधित व्यवसाय कहलाते हैं। ऋण शुभ या अशुभ मुहूर्त पर विचार करें तो शांति समझौता, ऋण भुगतान, खेलकूद का आरंभ, जल क्रीड़ा, जल यात्रा, आध्यात्मिक साधना, तीर्थ यात्रा, विवाह आदि के लिए इस नक्षत्र को शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन सड़क यात्रा, रेल यात्रा, किसी भी कार्य की समाप्ति के लिए इस नक्षत्र को अशुभ फलदायी माना जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों पदों अथवा चारों चरणों की। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण धनु राशि में 13° 20' से 16° 40' तक होता है और ऐसा जातक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर तथा सदाचारी होता है। यह धनी, मानी तथा प्रसिद्ध होते हैं और उनके नाम का प्रथम अक्षर भू से शुरू होना शुभ माना जाता है। पूर्वाषाढ़ा के द्वितीय चरण की बात करें, धनु राशि में यह चरण 16° 40' से 20° तक रहता है और द्वितीय पद में जन्मा जातक बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न तथा आध्यात्मिक होता है और इनका प्रथम नाम अक्षर धा से शुरू होना शुभ माना जाता है। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण पर विचार करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का तीसरा चरण धनु राशि में 20° से 23° 20' तक होता है। तृतीय पद में जन्मा जातक सुखी, धनी, यशस्वी होता है। यह थोड़े आराम पसंद होते हैं और अधिक परिश्रम से बचने की ही कोशिश करते हैं। इनका प्रथम नाम अक्षर फा से शुरू होना शुभ माना जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण धनु राशि में 23° 20' से 26° 40' तक रहता है और चतुर्थ चरण में जन्मा जातक धनी, वैभवशाली, क्रोधी तथा जिद्दी स्वभाव का होता है। इनकी तांत्रिक साधनाओं में भी थोड़ी सी रुचि होती है। यदि इस नक्षत्र पर कुप्रभाव हो तो ऐसा जातक पाखंडी तथा कपटी भी हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा के चौथे चरण में जन्मे जातक का प्रथम नाम अक्षर ढा, ढोलक वाला ढा, ढा से शुरू होना शुभ माना जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म जातक यदि कष्ट पाए तो अथवा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर पाप प्रभाव हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से लाभ होता है। हल्का गुलाबी या हल्का नीले रंगों का भी प्रयोग भी इस नक्षत्र की शुभता को बढ़ाने में सहायक होता है। जय शिव शंभु। अब हम बात करते हैं आपसे वचक्र के 21वें नक्षत्र की, जिसे हिंदी में उत्तराषाढ़ा तथा अंग्रेजी में पाइसे गिटरी कहा जाता है। इसकी आकृति मंच, स्टेज के समान होती है और इसका विस्तार क्षेत्र धनु राशि में 26° 40' से शुरू होकर मकर राशि में 10° तक रहता है। अर्थात इस नक्षत्र का प्रथम चरण धनु राशि में तथा शेष तीन चरण मकर राशि में पड़ते हैं। इसका स्वामी गुरु तथा शनि, स्वामी ग्रह सूर्य तथा अधिपति देवता विष्णुदेव माने जाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा जातक उदार, सदाचारी, विनम्र, परिश्रमी, परोपकारी, बुद्धिमान, मित्र प्रेमी तथा साहसी होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये लोग देवी कृपा के पात्र रहते हैं और यदि इन्हें किसी अच्छे गुरु की संगति मिल जाए तो इनका आध्यात्मिक स्तर उच्च कोटि का हो सकता है।
यह जातक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और किसी कार्य को ठान लेते उसे पूरा कर कर ही दम लेते हैं। उत्तर सरा नक्षत्र में जन्मे जातकों को यदि आजीविका पर विचार करें तो वकील, जज, सरकारी कर्मचारी, ज्योतिषी, अध्यापक, सेनाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, कथावाचक, स्पोर्ट्समैन, निर्माण उद्योग, व्यापार के प्रबंधक निदेशक आदि सभी कार्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पंचम तले आते हैं। मुहूर्त या शुभ अशुभ की बात करें तो नक्शा बनाना, नींव डालना, गृह प्रवेश का करना, पुरस्कार वितरण करना, पद ग्रहण करना, व्यापारिक समझौते करना, विवाह मुकदमा दायर करना आदि सभी कार्यों के लिए नक्षत्र को शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यात्रा, अनैतिक व क्रूर कार्यों के लिए नक्षत्र को अशुभ फलदायी माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चारों पदों पर विचार करते हैं तो इसका प्रथम चरण धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है और ऐसा जातक बुद्धिमान, कार्यकुशल, सुखी तथा न्यायप्रिय होता है और प्रथम चरण में जन्मे जातक का प्रथम नामाक्षर भे से शुरू होना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा चरण मकर राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है और दूसरे चरण में जन्मा जातक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है तथा सत्ता सुख का लोभी होता है और यह अपनी सफलता के लिए कई बार उचित अनुचित पर विचार भी नहीं करते हैं। भाई पॉलिटिक्स में रहेंगे तो थोड़ा सा करना भी पड़ता है और इनका प्रथम नाम अक्षर भ से शुरू होना शुभ माना जाता है। तीसरे पद की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का तीसरा चरण मकर राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तीसरे चरण में जन्मा जातक मिलजुल कर कार्य करने वाला, सुख सामग्री का संग्रह करने वाला, ज्ञान विज्ञान में इनकी विशेष रुचि होती है और इनका प्रथम नामाक्षर जा से शुरू होना शुभ माना जाता है। इसका चौथा चरण मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक होता है। चौथे चरण में जन्मा जातक भ्रमण प्रिय, परोपकारी, साहसी, सुखी तथा संतुष्ट होता है। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए तत्पर होते हैं और इनका प्रथम नामाक्षर जी से शुरू होना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक यदि कष्ट पाएं तो भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से लाभ होता है और सफ़ेद, पीला, नारंगी तथा हल्के नीले रंग का प्रयोग करना शुभ फलदायी रहता है। जय शिव शंभू। तारों की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अब हम बात करते हैं भचक्र के एक ऐसे नक्षत्र की जिसकी गिनती 27 नक्षत्रों में तो नहीं होती लेकिन सभी शुभ कार्यों के लिए नक्षत्र के मुहूर्त को लेना बहुत शुभ माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत नक्षत्र की, इसे अंग्रेजी में हिवा कहा जाता है और जिसका कुल विस्तार समय 4 डिग्री और 13 मिनट 20 सेकेंड का होता है, जिसे हिंदी में 4 अंश 13 कला और 20 विकला कहा जाता है। अभिजीत नक्षत्र का विस्तार क्षेत्र मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकेंड होता है और यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद में आता है। इस नक्षत्र का कुछ हिस्सा लगभग 53 मिनट 20 सेकेंड श्रवण नक्षत्र में भी आता है। अभिजीत नक्षत्र का अभिजीत का अर्थ होता है अपराजय, अर्थात जिसकी कभी हार नहीं होती और इस नक्षत्र में जन्मा जातक धार्मिक, लोकप्रिय, धनी, यशस्वी तथा आकर्षक होता है। यह कला प्रेमी होते हैं तथा साहसी होते हैं और जल्दी विचलित नहीं होते, जल्दी परेशान नहीं होते, जल्दी घबराते नहीं हैं, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि आजीविका पर विचार करें तो जलाशय, कुआं, तालाब आदि बनाना, मंदिर, धर्मशालाएं आदि जनहित के कार्य, डेयरी उत्पाद, पशुपालन, हड्डी तथा खालों से संबंधित व्यवसाय, बैंकर, शेयर ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, भवन निर्माण आदि सभी कार्य या सेवाएं अभिजीत नक्षत्र से संबंधित कार्य होते हैं। मुहूर्त या शुभ मुहूर्त पर विचार करें तो सभी शुभ कार्यों के आरंभ के लिए अभिजीत मुहूर्त को शुभ मुहूर्त माना जाता है। यह एक ऐसा नक्षत्र है जिसे किसी भी शुभ तथा मंगल कार्यों के आरंभ के शुभ मुहूर्त के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई मुहूर्त नहीं मिलता है और अभिजीत मुहूर्त बैठता है तो यह मुहूर्त किसी भी शुभ कार्यों के लिए लिया जाता है। इसको किसी भी, इस नक्षत्र को किसी भी शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन षड्यंत्र, हिंसा, गैर कानूनी कोई भी कार्य आदि इस नक्षत्र में करने से दंड तथा मानहानि की प्रबल संभावना रहती है। पदों पर बात करें तो कुछ विद्वान अभिजीत नक्षत्र के भी चारों पदों को मानते हैं। हालांकि छोटा नक्षत्र है, छोटे समय में रहता है लेकिन तब भी कुछ विद्वान इसके 4 नक्षत्र को भी मानते हैं क्योंकि इसका समय स्वयं ही बहुत छोटा है लेकिन कुछ विद्वान इस नक्षत्र के भी 4 चरणों को
मानते हैं जिसके अनुसार अभिषेक नक्षत्र का प्रत्येक चरण 1 डिग्री 3 मिनट तथा 20 सेकंड का होता है। प्रथम चरण की चर्चा करें तो अभिषेक नक्षत्र का प्रथम चरण मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 7 डिग्री 43 मिनट 20 सेकंड तक होता है और इस पद में जन्मे जातक का नाम अक्षर जू से शुरू होना शुभ माना जाता है। अभिषेक नक्षत्र का द्वितीय चरण मकर राशि में 7 डिग्री 43 मिनट से 8 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक होता है और द्वितीय पद में जन्मे जातक का नाम जे से शुरू होना शुभ माना जाता है। यदि तीसरे चरण की बात करें तो इस नक्षत्र का तीसरा चरण मकर राशि में 8 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से 9 डिग्री 50 मिनट तक होता है और अभिजीत नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातक का नाम जो से शुरू होना शुभ माना जाता है। अभिजीत नक्षत्र का चतुर्थ चरण मकर राशि में 9 डिग्री 50 मिनट से 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक होता है और चतुर्थ चरण में जन्मे जातक का प्रथम नाम अक्षर खा से शुरू होना शुभ माना जाता है। खा अभिजीत नक्षत्र तो स्वयं ही सभी अरिष्टों से सुरक्षा प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है, अतः इस पर पाप प्रभाव की चर्चा ना करके शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और ओम नमः शिवाय के नियमित जाप कल्याणकारी रहता है। आशा है आपको नक्षत्रों की आज की चर्चा पसंद आई होगी। आप में से जिन लोगों ने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएँ। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करते रहें। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आगे चाहूँगा, शीघ्र मिलूंगा फिर किसी ज्योतिष संबंधित विषय पर आपके साथ। आप सभी लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। जय शिव शंकर।